ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरि हंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सौवसाहुलम वंदितो सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोहवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मिनमो सुगकेवलीमणिदम् जीव परद्रव्य के गुण पर्यायों को पाता नहीं है, ये विषय अपना चल रहा है। और बोला कि भाई अगर पाना हो तो पाने की तीन दशाएं होती हैं, या तो प्राप्य रूप से पाए, या निर्विकार रूप से पाए, या निवर्त्य रूप से पाए। और वो तीनों का खुलासा कर रहे कि पर द्रव्य रूप तीनों प्रकार से पॉसिबल नहीं। कल यहाँ पे थोड़ा समझा था ना, किसे निर्वर्त्य कहा, किसे प्राप्य कहा, किसे विकार्य कहा। उस रूप परिणमित हो जाए, पहला नहीं हो, पहले से नहीं हो और उस रूप बन जाए तो कहलाए निर्वर्त्य कर्म। पहले से हो, उसमें बढ़ी जाए, ये कहवाए प्राप्य कर्म। अने पहला थी जे छे इने बगाड़ी नाखे, इने कहे छे विकार्य कर्म। ठीक छे पाकू? फरी थी, पहला थी नोतु अने थई गयो, ए शू कहवाय? निवृत्त। ए रूप परिणमित थई गयो, ए रूप परिणमित थई गयो। जेम के माटी हती, माटलो नोतो, माटी हती माटलो नोतो, माटी माटला रूप परिणमित थई गई निवृत्त्य कर्म। हाँ कही शकाय, पर्याय तत्त पर्याय अनुसार एम कही शकाय कि जे वस्तु पहला नोती अने पछी थई तो एनो कारण शू थयो कि एनो कारण ए कार्य रूप परिणमित थई गयो। माटी माटला रूप परिणमित थई गई, बराबर। बदा दाखला आवी जैसे घना बदा, रोटली नोती, लोट शू थई गयो? रोटली रूप परिणमित थई गयो, बराबर। बीटी बूटी नोती, ए सोना शू थई गयो? बीटी बूटी रूप परिणमित थई गयो। तो शू कहेवाय कि उसका प्रदेश प्रदेश उस रूप अवस्था को पा गया तो ये कहलाता है निवृत्त्य कर्म। फिर दूसरे नंबर की बात आती कि जो उस अवस्था को तो प्राप्त नहीं होता पर बढ़ी जाए, माँ मिल जाए, प्राप्त हो जाए उसको, बराबर, उत्पन्न हो जाए उसमें, तो उसके लिए कहा कि देखो जैसे माटी तो बन गई, अब उसका रंग देखो, रंग डिज़ाइन कर देते ना, डिज़ाइन माटले पर देखो कितनी डिज़ाइनें आती, तो वो डिज़ाइन उस मिट्टी का अनिवार्य हिस्सा नहीं। जो रंग किए ना रंग, वो रंग मिट्टी के और घड़े के अनिवार्य हिस्से नहीं है, लेकिन वो रंग भी उस घड़े को में मिल गए, यानी वो रंग ने क्या किया, उसे प्राप्त किया। उससे बना नहीं, रंग से माटला नहीं बना, रंग से माटला बना नहीं, माटला बना किससे? माटी से। उस माटले पर की हुई कारीगरी ने उसे सुंदर बनाया, तो अभी रंग उस माटले का पार्ट गिना जाता है, और है भी रंग वाले माटले की कीमत ज़्यादा होती है, बेरंगे माटले की कीमत कम होती,
होती कि नहीं होती है? अभी तो आप जाओ बाजार में, वो बिना कलाकारी वाला माटला 200 का मिल जाएगा और कलाकारी वाला माटला 300 से कम का नहीं मिलेगा। मतलब जो उसका अनिवार्य हिस्सा नहीं था लेकिन उसको प्राप्त हो गया तो उसके साथ में उसकी कीमत भी, तो कौन सा कर्म कहलाएगा? वो निवृत्ति कर्म नहीं कहलाएगा, प्राप्य कर्म कहलाएगा। बराबर। अब तीसरे नंबर की बात आई, वो माटला था, आपके बच्चे ने बॉल मारी और माटला टूट गया। अब माटला टूट गया, आपने बोला कि यार अब माटला टूट गया, ऐसे तो नया नया है, बेकार करने का कोई मतलब नहीं, चलो अब इसमें पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं। बराबर। तो मतलब वो उस अवस्था रूप नहीं हुआ लेकिन अन्य अवस्था को प्राप्त हो गया, तो कौन सा कर्म हुआ? विकार्य कर्म। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, प्राप्य कर्म, निवृत्त्य कर्म और विकार्य कर्म। तदरूप परिणमित हो जाए, पहला नौतु अने कार्य थई गयो तो कहवाय निवृत्त्य कर्म, पहला हतु ए कार्य में भड़ी गयो तो कहवाय प्राप्य कर्म, पहला जे हतु एने बगाड़ी नाख्यो बदली नाख्यो तो शू कहवाय विकार्य कर्म। क्लियर? पाका? बराबर। हाँ सरस। तो अब ये तीनों प्रकार के कर्म पर के साथ अज्ञानी मानता है और ज्ञानी नहीं मानता, ये तीनों इसके लिए समझाएं। आत्मा ऐसा पर के साथ होता है ऐसा नहीं है, आत्मा अपने रूप ही होता है पर रूप होता नहीं है ऐसा है। क्या मैं समझे कि नहीं समझे? देख अपन यहाँ देखते हैं, सामान्यपणे कर्तानु कर्म त्रण प्रकारनु कहेवामां आवे छे। कया कया? निवृत्त्य, विकार्य अने प्राप्य। जो पहली परिभाषा, कर्ता वड़े जे प्रथम ना होय एवं नवीन कई उत्पन्न करवामां आवे ते कर्तानु निवृत्त्य कर्म छे। कल इस पर चर्चा भी की थी कि यहाँ निवृत्त्य कर्म तत्समय की पर्याय के हिसाब से है, बाकी तो देखा जाए तो तुम भी अनादि के और हम भी अनादि के, कोई किसी रूप होता नहीं, कोई किसी रूप बदलता नहीं, ये अवस्था हुई कहाँ? पर्याय की दृष्टि से देही ये बात आई है, स्वभाव की दृष्टि से बात नहीं। और मैंने तो कल बहुत गहराई से बात आपको कही थी कि नवीनता का लोभ ही नहीं रखना, सनातन का लोभ रखोगे तो ये पुरातन मोह है ना ये नष्ट हो जाएगा, और सनातन का मोह नहीं रखोगे तो पुरातन मोह है ना वो अद्यतन के रूप में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आ रही कि नहीं आ रही? फिर से, सनातन का रस रखोगे तो पुरातन मोह, देखो मैं मोह को सनातन नहीं कह रहा, पुराना जरूर कह रहा हूँ, पुरातत्व विभाग का है कुदरती नहीं है लेकिन समझ में आया, सनातन स्वभाव का रस रखोगे तो पुरातन मोह क्षीण हो जाएगा, और सनातन स्वभाव का मोह नहीं रखा तो पुरातन मोह अद्यतन यानी नया 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 ही होता जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और सनातन आत्मा का रस रखोगे तो ये मोह वो ऐसा क्षीण होगा कि अनादि अनंत आनंद जो जिसकी कोई मर्यादा नहीं है ऐसा बेहद आनंद आपको प्राप्त होगा। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? जो इसलिए नवीनता आपको खींचती है
लेकिन वो खिंचाव संसार की तरफ ही होता है, ये समझ लो। नवीनता आपको खींचती है, बिल्कुल लौकिक में भी आजकल ये हो रहा ना, ओ कि माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, ये सब आपके पुराने मतलब बचपन के जन्म से सगे संबंधी हैं, लेकिन उस पे ध्यान कम देते। फेसबुक पे नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उस पे ध्यान ज़्यादा चला जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता कि जो है उस पे ध्यान नहीं जाता और जो नया नया आया वो पूरा ध्यान ले जाता है। अब आप ये सोचो कि ये जो नवीनता का लोभ है, ये नवीनता का लोभ आपको कहाँ खींच रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है कि अपने से अन्य की तरफ खींच रहा है? इसीलिए मोह के अभाव के लिए इस चीज को बहुत प्रयास करने की जरूरत है। नव करूं नव करूं, है छोड़ो, कहीं नव करूं नहीं, ये बुद्धि मन में लाओ, जो है उसमें नित्य नूतन और सदा सनातन दोनों बातें हैं। आत्मा में दोनों चीज़ें घटित होती हैं, नित्य नूतन भी है और स्वभाव से देखा जाए तो सत्य सनातन भी है। जो है उसमें और नवीनता नहीं करनी, उससे भी विमुख होकर अपनी आत्मा की तरफ जाना है। ये दृष्टि अभी से आपकी बनानी चाहिए। मुझे आश्चर्य होता, पहले के लोगों का क्या होता था पता है? एक बहुत सीमित जीवन शैली थी, सीमित विकल्प थे, तो समय निकलता था तो धर्म में ही जाता था। रियल में मैंने देखा है, उनकी समझ जो भी हो धर्म की, उस पर नहीं पढ़ रहे अभी अपन, जो भी उनकी समझ थी उस समय, लेकिन जैसे भी समय निकलता था वो समय कहाँ जाता था? पूरा का पूरा धर्म। माताएं बहनें रसोई का काम करें तो पाठ करते जाएं, ऊपर बैठें तो बातें सुनते जाएं, ये प्रवृत्ति थी, जीवन का अंश था। और देखते ही देखते सब एकदम गायब नहीं हो गया? देखते ही देखते 50-60 साल में ही आप देखो, बैठकर घरों में जो माताएं बहनें पाठ करती थी, पाठ करते करते काम करती थी, बेटे बेटियों को कहानी कहती थी, वो सारी परंपराएं आंखों के सामने देखते देखते गायब होती जा रही। मतलब ये कोई लंबा टाइम नहीं है, ये हमने देखा है, 2 जनरेशन का अंतर आंखों के सामने देखा है। मतलब जब हम बालक थे तब ये था और जब तक हम पिता बने तब ये गायब हो गया, इतना सा अंतर है बस। अहमदाबाद में थोड़ा और होगा, लेकिन मुझे ये परंपराएं थी कि जैसे ही जीव अनिवार्य काम तो सब करते थे, पहले भी करते थे भाई, नौकरी धंधा पानी सब पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं। माताएं बहनें रसोई का काम पहले भी करती थी, अभी भी करती हैं, कम ज़्यादा होगा वो बात अलग है। भाइयों का काम पहले कम होता था, बहनों का ज़्यादा होता था, अब थोड़ा रिवर्स हो गया है, पूरा रिवर्स हो गया है, नहीं पहले के सिस्टम हिसाब से, क्योंकि इतने ज़्यादा वो नहीं थे ना, साधन उपकरण नहीं थे, तो माताओं बहनों का काम। देखो मैं किसी की सुनी सुनाई और पूर्वाग्रह से बातें नहीं करता, बराबर, नहीं तो अब यहाँ पे नारीवाद और पुरुषवाद लेकर आ जाओ आंखों देखी बात बता रहा हूँ कि पहले कंपैरेटिव ज़्यादा काम था, अब कंपैरेटिव कम हो गया, पुरुषों का कंपैरेटिव पहले कम काम था, 24 घंटे का कोई नौकरी धंधा पानी नहीं होता था, दुकान में ताला लगाते थे, दुकान खुलती थी बंद कर देते थे, मंगल के साथ ही वो मंगल ही हो जाता था, फिर आपके दिमाग में ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता था। अभी नौकरी में जाओ वो 24 घंटे का विकल्प चलता रहता, मन में ये भी एक शिफ्टिंग हुई है काम की। तो भी माताएं बहनें अभी कहती हैं कि टाइम नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, ओह कैसा टाइम चाहिए पता नहीं चलता है, समझ में आया कि नहीं आया क्या? ठीक है, इस पर मुझे भी ज़्यादा नहीं जाना, बस थोड़ा कहा ज़्यादा जानना वाली बात है, बराबर समझे कि नहीं समझे? तो ये अंतर पड़ा देखते देखते, बात बता रहा हूँ। उसके बावजूद भी जीव क्या है, आवश्यक कामों को छोड़कर अब व्यर्थ के कामों में ज़्यादा उलझ रहा, इसीलिए ये चीज़ें गायब होती जा रही। पहले आवश्यक काम के साथ साथ
या आवश्यक काम से फ्री होता था तो मुख्य रूप से एक जैसे बोलो कि बचपन के संस्कार कहो, वो धर्म के कार्यों की तरफ उन्मुख होता था और अब मोह के संस्कार के कारण वो उनकी तरफ विमुख रहता है। भोग सामग्रियां टीवी जब चालू हुई तो बीच में एक आध पिक्चर आती थी, अब जब देखो तब और जो देखो वो 24 घंटे, और उसमें भी आपके हिसाब से नहीं चलना, वो अब OTT पर आ जाती, अपने हिसाब से देखो। बहुत सारी चीज़ें बदल गई समय के हिसाब से, कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, बदलाव हो रहा है। मुझे तो बस मेरा काम कहना है, आपका बाहर का जो बदले सो बदले, लेकिन बदलती हुई चीज़ों के साथ में आपकी प्रायोरिटी नहीं बदलनी चाहिए। वो कह रहा हूँ कि नूतनता के कारण सनातन प्रीति कम नहीं होनी चाहिए। नए नवीन संयोगों के कारण सनातन स्वभाव की अरुचि नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ज़्यादा वो दकियानूसी भी नहीं हूँ कि हर पुरानी चीज़ को बढ़िया सिद्ध करने बैठ जाऊँ, और इतना ज़्यादा स्वच्छंद भी नहीं हूँ कि हर नई चीज़ को आँख बंद करके स्वीकार करूँ। पर मैं मतलब यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, ऐसा सबको निर्णय करना है। पहले सब अच्छा था और अब का सब बुरा है, ये आइडियोलॉजी बराबर नहीं, ये तो संयोग है। पहले अलग टाइप के संयोग थे, अब अलग टाइप के संयोग, लेकिन प्रायोरिटी नहीं बदलनी चाहिए। अभी नवीनता की भरमार है और इसमें आपको सिलेक्टिव बनना पड़ेगा कि नवीनता के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मैं आत्म स्वरूप से ही विमुख हो जाऊं, ये आपको नक्की करना पड़ेगा। क्योंकि नवीनता अनंत है, कहां कहां जाओगे, कितना पाओगे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझे कि नहीं समझे? हर शुक्रवार 10 पिक्चर रिलीज होती है, कितनी देख पाओगे बताओ? हर समय मार्केट में नई गाड़ियां आ रही, नए मोबाइल आ रहे, कितने ले पाओगे? हर दिन आपके साथ 2-4 नए लोग जुड़ते हैं, कितनों को समय दे पाओगे? होता है कि नहीं होता? रोज कॉन्टेक्ट बुक में 1-2 नंबर तो ऐड हो ही जाते, समझ में आया कि नहीं? ऐसा होता है ना कई बार, जैसे ऐड होते हैं वो व्यक्ति अलग से आपको फिर मैसेज करना चालू करता है, जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह। अब अगर आप उसको बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, और जय जिनेंद्र का जय जिनेंद्र कर दिया आगे का, फिर वो तो फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसको दूसरा नया मिल जाएगा, काम उसका भी नहीं रुकेगा। काम किसी का नहीं रुकता, काम कभी किसी का, जिसे नया खोजना है उसे बहुत नया मिलेगा। वो उसकी गलत, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहा है, उसे नया नया बनाना है, इसलिए वो नया नया खोज रहा है। तुम्हें नया नहीं बनाना है, तुम्हें अनादि में जमी जमाई चीज में जमना है, तो तुम्हें उसमें से इसमें आना पड़ेगा, जिसकी जो प्रायोरिटी वैसा करता है। एक मन से चल रहा है, ज्ञान से चल रहा, सीधी बात है। मन को नवीनता चाहिए और ज्ञान को भाई जहाँ पे स्थिरता मिले वो कर, आई कि नहीं समझ में? ठीक है, तो नवीनता का लोभ नहीं रखना, नवीनता के प्रति दुराग्रही भी नहीं होना, नवीनता को समझना। नवीनता संयोगिक है, क्षणिक है, स्वभाव सनातन है, नित्य है, और शांति सनातन वस्तु के अनुभव से ही प्राप्त होती, क्षणिक संयोग से नहीं। ठीक है ना? बराबर। देखो अब अपन कहते हैं आगे, ये हुआ निर्वृत्ति का कर्ता वड़े, अब विकारी कर्म ने समझिए, कर्ता वड़े पदार्थ मां शू करीने विकार, एटले फेरफार करीने कहीं करवामा आवे ते कर्तानु कयो कर्म छे? विकार कर्म छे। बराबर समझे कि नहीं समझे? मैंने बोला था ना, लींबू ने
दूध में जाके दूध की अवस्था को पनीर में बदल दिया। क्या बोला? नींबू ने दूध में जाकर दूध की अवस्था को किसमें बदल दिया? पनीर में बदल दिया। दूध पहले था, अवस्था बदल गई। भाई ये कौन सा कर्म कहलाया उसका? विकारे कर्म। कौन सा कर्म? विकारे कर्म। ठीक है, अब देखो, समझो इसको थोड़ा सिद्धांत के रूप में रखें। अब ऐसा अपन बहुत सारा हम तो पंडित जी कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, ये झगड़ा करवाता। हम तो शांत ही हैं, ये शांत सरोवर में कंकर फेंक कर चला जाता। सही है ना? सही है। कुनकुन आचार्य देव तो कह रहे नहीं है। तुम कहते हो कि इसने गुस्सा करवा दिया, हम कहाँ गुस्सा करते हैं, ये करवाता है। हम कहाँ लड़ते हैं, ये लड़वाता है। दोनों तरफ होता है भाई, समझो। ये तुम कह रहे कि पहले शांत थे, बाद में उग्र हो गए। पहले शांति प्रसाद थे, बाद में ज्वाला प्रसाद हो गए। तो ये विकार्य का सत्कार्य किसके द्वारा किया गया? बोले इसकी तरफ। ये बेटा बेकार है, ये बहू बेकार है, ये पड़ोसी बेकार है, ये ऐसा बेकार है, ये बहुत सारे, कोई बेकार नहीं है। तू ही विकार रूप परिणमित तो नहीं होता तो वो विकार कैसे करेगा? सबकी यही शिकायत है। घरों में अशांति का मूल कारण ही है कि हम अपने कार्य को अन्य से मान रहे। कुनकुंद आचार्य देव कह रहे कि पर द्रव्य की पर्याय और उनकी पर्यायों को ना तू उनका विकार है, ना वो तेरे विकार हैं। बहू सास को क्रोधित नहीं कर सकती, समझ में आया? बहू सास को क्रोधित नहीं कर सकती, सास बहू के अंदर क्रोध नहीं कर सकते। भाई साहब ये समझो, विकार नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर में कोई था और दूसरा बदल के चला जाए, पर द्रव्य की पर्याय में उपजे रहे ना परिण में। ये विकारी कर्म के एग्जाम्पल है सारे। पति पत्नी का बिगाड़ नहीं कर सकता, पत्नी पति का बिगाड़ नहीं कर सकता। पंखा बंद हो जाएगा तो पसीना आ जाएगा ना? है, पंखा बंद होगा तो पसीना आ जाएगा? पैसा खत्म हो जाएगी तो टेंशन हो जाएगी ना? ओ समय सार के तो ऐसा नहीं है। पंखा बंद हो जाए तो पसीना आ जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि पंखे रूप पर्याय तेरे अंदर में विकार नहीं कर सकती। पैसे की कमी से टेंशन हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा भी परद्रव्य है और वो तेरे अंदर में विकार नहीं कर सकता। हम तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, पंडित जी ऐसे ही चलता रहा तो नौकरी का क्या होगा, ऐसे ही चलता रहा तो दुकान का क्या होगा, अरे जो होना होगा सो होगा। तुमने विकल्प नहीं किए थे तो भी चल रही थी, विकल्प किए तो भी चल रही, उल्टे विकल्प किए तो भी सीधी रही, सीधे विकल्प किए तो भी उल्टी हो रही है, मतलब क्या है? बस यही है कि होता स्वयं जगत परिणाम में पर का, ये तो वस्तु स्वरूप की स्वीकृति। अब पुरुषार्थ क्या? दूर हटो परकृत परिणाम, ये ज्ञायक कह रहा है। दूर हटो परकृत परिणाम, पर के द्वारा जो कार्य हैं वो दूर हटो। दूर हटो परकृत परिणाम, ज्ञायक भाव लखो। ओ हो भाई तुम जानो,
बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मतलब पर के द्वारा, जैसे कि ना कि जानकर न्यूज़पेपर में बैठने देख जाएंगे कि आज क्या इसका स्कीम है, डिस्काउंट है, पेपर में आज कहाँ पे क्या फ़ायदे की डील हो सकती है। बहुत सारे लोग मोबाइल में लग जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल आ रही कि अमेजोन पे सेल आ रही कि किस पे क्या हो रहा है, और सबको लगता है इसको देखेंगे ये लाभ हो जाएगा, ये देखेंगे ये लाभ हो जाएगा। बराबर सच बताओ भाई, लाभ के चक्कर में होने वाली आत्मस्वरूप की हानि देखाई कि नहीं देखाई? सुबह में 5% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट की जाहिरात पड़ी, इसकी हानि क्या हुई पता है? कि जो सामायिक कर सकते थे वो सामायिक नहीं हुई, ये हानि दिखाई दी। मतलब कितना क्रीम टाइम, सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का, ब्रह्म मुहूर्त में तो खैर ये उठता नहीं है, वो तो पुराने ज़माने की बात हो गई, थोड़े आगे वाली मुहूर्त तो देखते हैं, हैं क्रीम टाइम अपना वो कहाँ जा रहा है? जा रहा है देखने में जा रहा है, अरे मिस हो गया, आज ये ले आते तो इस पे श्रीखंड पे 20% डिस्काउंट था, फलाने पे ये था, सब्जी में ये स्कीम थी, उसमें एप्लीकेशन में ये था, पूरा टाइम किस में जा रहा? और गजब, ऐसे अगर करके 5-10-50 रुपए बचा ले तो ऐसा मानता है कि जैसे वो 50 रुपए बचाने का आनंद नहीं, मैंने बहुत गहराई से इसको समझे, हूँ एक्टिव, हूँ होशियार, ये जो फीलिंग आवे ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ? होशियार, मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। बराबर पैसे की कदर है, ये होशियारी का अहम, अरे मूर्ख सही गणित लगा ना, ये 5, 50, 100, 200 रुपए का लाभ नहीं है, ये समझ ले। समता का लाभ, शांति का लाभ, रत्नत्रय का लाभ, बोधि का लाभ, ये लाभ है। मन में आया कि नहीं? हम बहुत गहराई से इस चीज़ को समझना पड़ेगा, फंडामेंटली इस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि किसे लाभ कहना और किसे हानि कहना। दुर्भाग्य से अर्थशास्त्र को ही हमने लाभ हानि का एकमात्र कारण मान लिया। क्या बोला? अर्थशास्त्र। जिस समय परमार्थ शास्त्र से लाभ हानि विचारोगे उस क्षण आँख खुल जाएगी। और दुर्भाग्य क्यों हो रहा है कि हमारे आजू बाजू जो चक्रव्यूह बना है ना, वो सब अर्थशास्त्र से ही अपने आप को सूरमा समझ रहे हैं। सोसाइटी में रहने वाली बहनें हों, ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स हों, सिटी बस और ट्रेन में मिलने वाले होशियार लोग हों, संबंधी हों, सबकी पहुंच अर्थशास्त्र तक है। तो रिपीटेटिवली क्या हो रहा है, गैर जरूरी चीज को अधिकतम जोर दिया जा रहा है। अपूर्व भाई ख्याल मार रहे हैं ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन रिपीटेटिवली क्या हो रहा है, जो भी अपने आजू बाजू एक सर्कल वर्तुल बनता है वो पूरा वर्तुल किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? अर्थशास्त्र के इर्द गिर्द घूम रहा है। गैर जरूरी रूप से, अनावश्यक रूप से उसको ज्यादा महत्व दे दिया गया। और हमेशा यही है, अच्छे मुद्दे हमेशा चर्चा के अभाव में दब जाते हैं और व्यर्थ के मुद्दे हमेशा उछल उछल के बाहर आते हैं। वो मस्जिद है कि क्या है कि मंदिर, अब विचार करके देखो, 50 समस्या पड़ी जो जीवन से जुड़ी हुई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, किस पे ध्यान जा रहा? बनारस पे जा रहा, कहीं कानपुर पे जा रहा, कहीं क्या जा रहा, कहीं क्या जा रहा? ये कोई जरूरी मुद्दा है क्या? तुम्हारा जीवन उससे जुड़ा है क्या? लेकिन उस पर चर्चा हो रही है, और चर्चा हो रही है तो सारे लोग उससे जुड़ गए, उन्हें लग रहा है सबसे महत्वपूर्ण काम।
है, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? सच बता रहा हूँ, पहले तो 2-5 मिनट न्यूज़ देख भी लेता था, अब तो 5 मिनट भी सहन नहीं होती। रियल बोल रहा हूँ, पहले तो थोड़ा बहुत देख भी लेता था, अब तो 5 मिनट सहन नहीं होती। क्योंकि चलो आत्मिक दृष्टि की बात नहीं, लेकिन तथ्य उन तथ्यों पर चर्चा हो ना कि जो कीमती हैं, वैल्यूबल हैं, जिनकी वर्थ, उन चीज़ों पर चर्चा होती है जिनकी कोई कीमत ही नहीं। और ऐसा सब जगह है, ऑफिस में जाओ तो, लोगों से मिलो तो, जो कीमती नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन पे रामायण लिखी जा रही है, टीकाएं लिखी जा रही हैं, टिप्पणियां लिखी जा रहे हैं, भाष्य लिखे जा रहे हैं, और जो कीमती वस्तु है उस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, लाभ हानि जब जब आप अर्थशास्त्र से विचारोगे, जीवन में ठगे जाओगे, और लाभ हानि को जब परमार्थ शास्त्र से विचारोगे तो जीवन में उन्नति को पाओगे। बचपन से जो हमने सीखा है उसे भुला दो तो बढ़िया, और अगर भुला नहीं पाओ तो कम से कम गौण तो कर ही दो। क्या सीखा बचपन से है? क्या सीखा है? कि भाई अपनी सिंपल गणित है ना, क्या कि 2 पैसे ज्यादा आए और 1 पैसा कम जाए। सीधी गणित अपनी बचपन से, कितना है, आय ज्यादा हो व्यय, हाँ उल्टा सिखा रहे, आय कम हो और व्यय ज्यादा हो। सम्यक समझ में आया? हम उल्टा सिखा रहे हैं, ये सब का तो दिन निकल गया, कोई ज्यादा चांस नहीं है तुम्हारे पास चांस है बेटा। आय ज्यादा हो है कि व्यय ज्यादा हो है? कौन सी बात चल रही है, कौन सा आय व्यय चल रहा है भैया है? तो कर्मों का तत्वार्थ, आय कम हो मतलब आश्रव बंध कम हो, और व्यय ज्यादा हो मतलब संवर निर्जरा ज्यादा। हाँ, यही तो संसार और मोक्ष में यही तो उलट बांसी। हाँ, ये जो दुनिया में जो पढ़, इसलिए मैंने बोला है, अगर आप हो सके तो सबसे बढ़िया चीज है कि दुनिया की पूरी शिक्षा बुला दो, और अगर नहीं बुला पा रहे तो कम से कम गौण कर दो उसको। ये जो अपनी गणित है ना कि आय ज्यादा हो और व्यय कम हो, भूल जाओ। अर्थशास्त्र से जो पढ़ा है उसे भूल जाओ। परमार्थ शास्त्र कहता है कि आय कम हो और व्यय, क्योंकि आय मतलब संवर निर्जरा आश्रव बंद, और व्यय मतलब संवर निर्जरा। तो आश्रव बंद ज्यादा चाहिए कि कम, और संवर निर्जरा ज्यादा चाहिए कि कम है? समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए लाभ हानि को समझ जाओ भाई, जीवन में बहुत कुछ। कल एक बहन 60 साल की थी अपनी, बता रही थी, कौन सी, देखो देखो मेरी बहू कितनी भाग्य, 60-65 साल की हैं, अच्छी मुमुक्षु घर से, मेरी बहू कितनी भाग्यशाली, क्यों देखो 2 साल पहले वहाँ कश्मीर गई थी, बराबर 3 साल पहले वहाँ शिमला गई थी, और इस साल स्विट्जरलैंड चली गई। हम तो 65 साल के हो गए, कहीं जा ही नहीं पाए। नहीं माँ, शिखर जी कितनी बार गई और बहू कितनी बार गई? उन्होंने बहू को टाइम नहीं मिला, हम तो 3-4 बार कराए। बहू को टाइम नहीं मिला और हम कितनी बार कराए? 3-4 बार कराए। मैंने, अब बताओ भाग्यशाली कौन? आप स्वाध्याय कब आती हो? वो बोले वो तो जिम में जाती है और हम 2 टाइम स्वाध्याय। अब हम जा नहीं पाते ना वहां, जिम में जा नहीं पाते ना, तो हम क्या करते हैं? अब देखो ऐसा है, मतलब कौन किसको भाग्यशाली गिन रहा? जो जिम में जा रही किसके लिए?
क्योंकि अभी स्विट्जरलैंड जाना है तो मोटे कपड़े तो पहन नहीं सकते ना, छोटे कपड़े पहने, नियम है, प्रोटोकॉल है, पाप लगेगा। घूमने जाएं और बड़े कपड़े पहन लिए तो पाप लगेगा, इसीलिए क्या करना, छोटे छोटे कपड़े पहनना है। और छोटे छोटे कपड़े पहनकर फिर क्या, उसके लिए जिम भी जाना है, तो पूरे 5 दिन के लिए साल भर मेहनत करती है बहन, 5 दिन के लिए साल भर मेहनत करती है, मेंटेन करती है, क्यों, पाप लगेगा वरना है। और गजब है, आश्चर्य है कि ऐसे अभागे लोगों को देखकर स्वाध्याय करने वाले, धर्म ध्यान करने वाले, वो कहते वो भाग्यशाली और हम अभागे। पहले नहीं थे अब हो गए, पहले नहीं थे तुम वो नहीं कर पाए इसके लिए अभाग्यशाली नहीं थे, लेकिन जो कर रहे हो उसकी महिमा नहीं आई इसके लिए अभागे हो। मेरी बात को ध्यान से समझ, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जो नहीं कर रहे उसके कारण अभागे नहीं थे, लेकिन जो कर रहे हो उसकी महिमा नहीं आ रही इसके कारण जरूर अभागे हो। ये कहलाता है श्रद्धान का सुधार। किसका सुधार? श्रद्धान का सुधार। जीव को निर्णय ही नहीं है, अब क्या बताएं उसे, है? तो प्राप्य कर्म देखा, विकारी कर्म देखा, कोई तुम्हें तुम्हारे रूप परिणमित करा के जाए ऐसा है ही नहीं, विकारे होते ही नहीं पर के द्वारा, पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पर द्रव्य तुम्हारे अंदर में कोई परिणमन करा के जा सकता नहीं है। समझना जरा, अब देखो आगे क्या कहते हैं, फिर पार नहीं कर सकता हम कर्ता ने विकार, कर्ता जे नवु उत्पन्न करतु नथी तेमज विकार करीने पण करतो नथी, मात्र जेने प्राप्त करे छे। बराबर, पानी था ना, पानी कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ, बराबर, लेकिन उसने आपको आपने फ्रिज में रखा दूध को, तो वही दूध का लिक्विड था, वो किस रूप जम गया, आइसक्रीम रूप हो गया, वही पानी था वो आइस रूप हो गया, तो कोई नया किया क्या, नहीं, कुछ बिगाड़ा क्या, नहीं, लेकिन उसने अन्य रूप को प्राप्त हो गया उसको। बराबर, ख्याल में आया कि नहीं आया, पानी थोड़ा सा रखा था थोड़ा और मिला दिया तो वो उस रूप हो गया। तो जो अन्य नया उत्पन्न नहीं करता, बराबर, बिगाड़ नहीं करता, लेकिन जैसे चाय में थोड़ा सा पानी डालने पर कुछ बहुत चेंज नहीं होता, चाय चाय ही रहती ना, ऐसा कई बार होता ना, चार लोग आए हों तभी एक आध और आ जाए तो क्या करते हैं हम, कोई बात नहीं, जल ही जीवन है, थोड़ा चाय मिला दिए, थोड़ी मतलब कोई नया हुआ क्या, नहीं, वो हो गया अपने अब, चार की पांच हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जयपुर में तो एक मित्र था, उसे तो ऐसी महारत हासिल थी, मैं तो कई बार बोलता हूँ उसे अक्षीण महानस रिद्धि थी वो कितने चार की चाय बनाए चाहे आठ की चाय बनाए, वो जितने बढ़ते जाए उतना बढ़ाता जाता था और चाय का टेस्ट भी बराबर रहता था मैं कई बार उसको मजाक में बोलता था, भाई तेरे पास तो कौन सी रिद्धि है, अक्षीण मानस रिद्धि है, कि मतलब, और वो जयपुर में चाय बनाना मतलब सब काम ब्लैक में होता था, वाइट में तो चाय अलाउड ही नहीं थी तो वो रसोई से बना करके वहाँ पे चुपचाप बाहर रखवा लो, दोपहर की चाय मिलती नहीं है, एक काम करते हैं चुपचाप जाके बना लेते हैं, तो ऐसे करके प्लानिंग करके बनती थी, अब उसमें दो चार और आ जाए तो भी वो ऐसा सेट कर लेता था कि चार की चाय बने पाँच की चाय बने सब सेट हो जाता था। नहीं, गजब है तेरी रिद्धि भाई, ना टेस्ट बदलता है ना वस्तु बढ़ती है तो भी कैसे मैनेज करता है, समझ आए कि नहीं। ऐसा कि जिसने कोई नया नहीं किया, कोई नया उत्पन्न नहीं किया, बन ही रहा था, बिगाड़ा भी नहीं,
और जो भी कुछ किया उसी परिणाम को प्राप्त हो गया, वो कौन सा कर्म कहलाता है? प्राप्य कर्म। बराबर। निर्वृत्त मतलब नया उत्पन्न करे, विकारे मतलब था उसको बिगाड़ दे या अन्य रूप बदल दे। सुधारने को भी बिगाड़ना कहा जाता है, समझना। विकार का मतलब डिग्रेड करना यही नहीं होता, अपग्रेड करने को भी विकार बोला जाता है। विकार मतलब विशेष कार्य। पॉइंट समझ में आया? विकार मतलब क्या? विशेष कार्य, मतलब डिग्रेड किया वो भी विकार है, और अपग्रेड किया वो भी विकार है। और ना डिग्रेड किया, ना अपग्रेड किया, ना नया उत्पन्न किया, बस जाके उसमें मिल गया, वो कौन सा कर्म कहलाता है? प्राप्य। अपने शरीर है ना, शरीर कितने परमाणु आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब परमाणु कोरोना के जैसे ही हो कि जो आपके शरीर को बिगाड़ के चले जाए, ना जरूरी नहीं कि सारे परमाणु आहारक वर्गणा के जैसे शुरुआत में कि नया शरीर बनाकर चले जाएं। होता ना, आपको पता है ना, शुरुआत में जैसे जीव जाता है विग्रह गति से, थोड़ा धार्मिक एग्जाम्पल देख लो सिद्धांत का, कि विग्रह गति से गया, जाते ही क्या करता है वो, आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता है तो नया शरीर बनता है, वो कौन सा कर्म हुआ? निर्वृत्ति कर्म। अभी ये शरीर बढ़िया है, अब इसने कोरोना वोरोना के कुछ हानिकारक परमाणुओं को ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया? शरीर बिगड़ गया। लेकिन प्रति समय सैकड़ों परमाणु आ रहे और सैकड़ों परमाणु जा रहे, आपका शरीर कैसा है? वैसे का वैसा। वो कौन से पर प्राप्त हो रहे हैं? वो प्राप्य कर्म है। वो देखो, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बर्फ रूप में करना, बर्फ ही था और थोड़ा और कर दिया तो वो जमा जमाया हो गया, ऐसा मान सकते हैं ना, समझे? मतलब कुल मिला के आप किसको कंसीडर कर रहे हो, कौन सी अवस्था को कंसीडर कर रहे हो, कौन सी अवस्था को कंसीडर? आइसक्रीम वाला दूध ही था और ठंडा हो गया, चलो वो ठंडा हो गया और वैसा का वैसा हो गया, मिल गया, मतलब एज इट इज फॉर्म में रहे, ज्यादा परिवर्तन ना हो, तो वो कौन सा कर्म कहलाता है? प्राप्य। देखो एक बात है, ये प्राप्य कर्म ही व्यवहार से कहा जाए, वास्तव में देखा जाए ना तो कोई चीज प्लस होती है तो सूक्ष्म धरातल पे तो चेंज होते ही होते, आपको पता चले ना चले वो बात की बात अलग है, लेकिन स्थूलता का कथन, यहाँ कौन सा कथन है? स्थूलता का कथन। इसीलिए जगत में तीन प्रकार के कर्मों को कहा जाता, ठीक है ना? देखो, हाँ, जीव, अबे जो जीव पुद्गल कर्म ने नवीन उपजावी शक्तो नहीं, पुद्गल जीव पुद्गल कर्म को नए तरीके से उत्पन्न नहीं कर सकता। अरे जीव क्या कोई माइका लाल उत्पन्न नहीं कर सकता? आज इतनी सारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बन गई हैं, एक परमाणु को तुम बना के बता दो तो मान जाए, बना सकते हो? सारे वैज्ञानिक हाथ ऊपर कर दिए, हाँ जो लाए हैं उनमें ही चेंज होगा, नया तो हम बना ही नहीं सकते। बोलो, यहाँ पे फसल उगा दो, खेत में ही लगेगी, वो खेत की मिट्टी होगी, खेत का ही पानी होगा, मतलब नया कुछ होता ही नहीं। एक भी परमाणु आज तक विज्ञान नया नहीं बना पाया है, एक भी जीव को नया उत्पन्न नहीं कर पाया, पदार्थ बन ही नहीं सकता, बना बनाया ही रहता है, अवस्था बदलती है, वो हमने भी स्वीकारा है। अब अंतर इतना है कि विज्ञान कहता है कि दूसरे के कारण दूसरे की अवस्था बदल सकती है, और धर्म कहता है कि बदलने की योग्यता हो तो दूसरा निमित्त बनता है, इतना अंतर। लौकिक फिजिक्स में और परमात्मा की फिजिक्स में कितना अंतर है? लौकिक फिजिक्स कहेगी कि पानी को 100 डिग्री पर रखोगे तो पानी उबलने लगेगा, ये लौकिक फिजिक्स ने बोला, और परमात्मा के ज्ञान ने क्या बोला कि पानी की उबलने की लायकात होती है तो अग्नि उसमें निमित्त बन जाती, इतना अंतर। विकारे कर्म हुआ ना, उबलने रूप पानी का विकारे हुआ ना, तो विज्ञान क्या कहेगा कि अग्नि ने विकार करा दिया, और धर्म क्या कहेगा कि पानी की लायकात थी
तो अग्नि निमित्त सच्चा कौन? प्रैक्टिकली नो इमोशनली अग्नि अगर उबाले तो धातुएं होती ना, धातुएं सारी धातुओं के, जिसे अपन उसे हिंदी का शब्द तो मुझे पता है क्वथनांक, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, बराबर ना। हर धातु का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। सोना इतने डिग्री सेल्सियस में होता है बॉइलिंग पॉइंट, तांबा का अलग होता है, ब्रॉन्ज का अलग होता है, हर चीज का अलग अलग होता है। अगर अग्नि सबको उबाल रही है तो सबको एक से टेम्परेचर में उबाले ना। सबसे कम शायद ये जिग्नेश भाई बता रहे थे, उनकी फैक्ट्री में वही काम होता है ना। हाँ जिग्नेश भाई एक दिन वही बोला, सब उनकी फैक्ट्री में वही है, उनके वहाँ पे जहाँ काम करते हैं वहाँ, कि सोना 1000 रुपये उबल जाए, कुछ गलत हो सकती है फैक्चुअल गारंटी उसमें ज़्यादा नहीं। कोई सी धातु 1800 में उबलती है, कोई 2200 में उबलती है, डिग्री सेल्सियस की बात करो, पानी 100 में उबल जाता है, बराबर। तो ये अगर पानी सबको बॉयल कर रहा है तो सबको एक ही जैसी अग्नि सबको बॉयल कर दे, बोल नहीं, जिसकी सबकी लायकात अलग अलग होती है तब जाके वो निमित्त बन। ये धर्म सिखा रहा है, अनुभव से सिद्ध है। तो विज्ञान का जोर निमित्त के ऊपर होता है और धर्म का जोर स्वभाव के ऊपर होता है। विज्ञान कहेगा इसके कारण से ये हो रहा, इसके कारण से ये हो रहा, इसके कारण से ये हो रहा। धर्म कहेगा किसी के कारण से नहीं हो रहा, तेरी अपनी कमी के कारण से हो रहा है। क्योंकि विज्ञान एक को दूसरे में मिला मिला के कह रहा है और धर्म कहता है मिलते ही नहीं। विज्ञान ये बता रहा है कि जब गुस्से वालों के बीच में रखोगे तो गुस्सा वाला हो जाएगा, अच्छे लोगों के बीच में रखोगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन धर्म कह रहा है ओ हो नरकों में भी सम्यक दृष्टि रहते हैं और समोसरण में भी मिथ्या दृष्टि रहते हैं। वस्तु की स्वतंत्रता की घोषणा धर्म करता है, विज्ञान तो उसे बांध देता है। विचार नष्ट।